अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक यूं समझ लें कि केमिस्ट्री के एंट्री टेस्ट का 30-35% कवर करता है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने से आपको बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री में भी यूज़ होती हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी यूज़ होती हैं। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। रेडियस जो है वो जनरली आपने टर्म पढ़ रखी होगी कि भाई सर्किल के सेंटर से लेकर सर्किल के किसी पॉइंट तक के मुफासले का नाम क्या है? रेडियस आर। ठीक है, अब हमें किसका रेडियस पढ़ना है? एटम का। तो एक सिंपल हम ये कहेंगे कि रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, हालांकि वेव मैकेनिक्स के लिहाज से हम एटम को एक स्फीयर नहीं समझ सकते। ठीक है, दूसरा ये भी है कि बहुत सारे एटम्स होंगे तो वो दूसरे एटम्स क्या करेंगे? एक दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी एटॉमिक रेडियस के आइडिया से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस को हम यूं कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। वैलेंस शेल हमें पता है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। और सबसे जो लास्ट वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उस शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का नाम क्या है? एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को हम, अगर हमारे पास एक जैसे एटम हैं, होमोडायटॉमिक, ठीक है, मींस इन केस ऑफ होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका बिल्कुल हाफ, उसे कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। मींस ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अगर इन दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो इस बॉन्ड लेंथ के हाफ को, बॉन्ड लेंथ के हाफ को क्या कहा जाएगा? एटॉमिक रेडियस। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास H2 है, Cl2 है, ठीक है, होमोडायटॉमिक O2 है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी उसके हाफ को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर हेट्रो डायटॉमिक है,
इन केस ऑफ हेट्रोडायटोमिक, तो वहां क्या होगा, मिसाल के तौर पे बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, एक एटम का रेडियस प्लस दूसरे एटम का रेडियस। सेम केस अगर यहां पे मैं ये इसका डायग्राम बनाऊं तो ये समझ लो आर ए है, ये दूसरा एटम, ये आर बी है, तो यहां जो बॉन्ड लेंथ ये मिले हुए होंगे मेरे से, यहां जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी, आर ए प्लस आर बी, दैट इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहां पे अगर हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली यहां अगर ए का रेडियस हम मालूम करना चाह रहे हैं और बी का गिवन है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ माइनस आर ए इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, अब ये बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिटर्मिनेशन, इट इज एक्सरे डेटा से, एक्सरे डायफ्रैक्शन से, दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है, बॉन्ड लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कार्बन टू कार्बन का जो डायमंड में बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इन डायमंड वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन में आपको पता है उसमें डायमंड में क्या होता है, कार्बन टू बॉन्ड कार्बन मींस एक जैसे एटम्स हो गए, तो अगर एक जैसे एटम्स हो गए तो उन एक जैसे एटम्स की बॉन्ड लेंथ का बिल्कुल हाफ क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस कितना हो जाएगा, मींस रेडियस ऑफ कार्बन विल बी हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ कितनी हमारे पास 1/2 1.54, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कार्बन हमारे पास निकल के आएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रही है बात या नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये तो एक सिंपल सी डिस्कशन थी। अब इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमें समझना है कि ये कैसे है, पीरियोडिक टेबल में ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब पीरियोडिक टेबल आपको याद है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो मींस लिथियम से सोडियम का साइज बड़ा है, सोडियम से पोटेशियम का साइज बड़ा है। सेम केस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो टॉप टू बॉटम ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सेम केस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल पे ज्यादा जोर लगाएगा, वैलेंस शेल पे ज्यादा जोर लगाने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, साइज सुकड़ जाएगा। ठीक है,
मीन्स हमारे पास अगर है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो क्या होगा? बेरिलियम का साइज बड़ा है, बोरोन का उससे बड़ा है, कार्बन, फिर ऐसे नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ रही बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और इसी साइज को बेस बना के हम ये भी बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज डिसाइड करती है कि कोई कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे PCl5 इज पॉसिबल, PCl5 पॉसिबल है, फास्फोरस एटम के गिर्द 5 क्लोरीन आके उसे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन Pi5 इज नॉट पॉसिबल, Pi5 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज लार्जर आयोडीन, और कितने आयोडीन है? 5 आयोडीन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड ऑन फास्फोरस। ठीक है, लार्जर आयोडीन 5, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टेनिस की गेंद के गिर्द हम 5 कंचे छोटे गोलियां वो सराउंड कर सकते हैं, 5-6 से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसी टेनिस के गिर्द अगर हम 5 फुटबॉल सराउंड करें तो वो सराउंड करने में डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ी हो जाती है, तो 5 क्लोरीन तो फास्फोरस के गिर्द आसानी से सराउंड हो जाते हैं। यहाँ पे एक मैं अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ, ठीक है, ये एक एटम समझ लें। अब आयोडीन जो है वो उस आयोडीन का साइज बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये 4 एटम आ गए, 5वां मिसिंग है। सपोज इसको फास्फोरस मान लो, इनको आयोडीन मान लो, तो क्या हो रहा है? ये भी जबरदस्ती मैंने इसको ऐसे करके बनाया है, तो क्या होगा? Pi5 इज नॉट पॉसिबल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि Pi4 पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान में रहे, हो सकता है कोई सोच के बड़े साइंसदान हो तो वो कहें Pi5 नहीं तो Pi4, तो ऐसा नहीं है। ये अकोमोडेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि 5 आयोडीन का साइज बड़ा है, वो अकोमोडेट नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? राइट, अब हम चलते हैं एक अहम इसके पोर्शन की तरफ कि हमें कैसे पता चले अगर हमारे पास 2 एटम्स हों और हमारे से पूछा जाए कि किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज कम होगा। क्यों? क्योंकि साइज पता चल जाएगा तो पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के सारे ट्रेंड आप बता दोगे। इफ यू नो द ट्रेंड ऑफ द साइज। ये तो हमने पढ़ लिया कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। अब हर वक्त हमें याद तो नहीं होगा कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है। तो उसके लिए ट्रिक टू डिटरमिन द साइज के विच इज लार्ज एंड विच इज स्मॉल। आपके पास 2 एटम्स हैं, एक है ए जिसका एटॉमिक नंबर है 4, दूसरा है बी जिसका एटॉमिक नंबर है 13। आपसे पूछा जाए किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज कम होगा। हमें यह नहीं पता कि ए कहाँ है, हमें यह नहीं पता कि बी कहाँ है। तो सिंपल सा तरीका है, हम इसकी कॉन्फिगरेशन करेंगे। कॉन्फिगरेशन यूं कर लें, न्यूक्लियस, जितना एटॉमिक नंबर उतना न्यूक्लियर चार्ज, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लें 13, तो 13 है न्यूक्लियर चार्ज, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, 1s2 2s2,
दोनों से आपके पास जवाब आ जाएगा। अब आप पहली फुर्सत में ये देखो कि क्या किसी में शेल्स ज्यादा हैं। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास कितने शेल्स हैं, दो, एक दो, इसमें देखो एक दो तीन, फैसला हो गया शेल्स ज्यादा साइज ज्यादा, शेल्स कम साइज कम। तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज लार्ज ए इज स्मॉल। ठीक है, पहली ट्रिक, शेल्स ज्यादा साइज ज्यादा, तो हम लिख लें लार्जर, नहीं, ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल्स, लार्जर द साइज, साइज ज्यादा होगी, पहली ट्रिक, पहला उसूल, ये भूलना नहीं। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये समझ लें ये एग्जाम्पल वन है, अब हम एग्जाम्पल टू करते हैं। इन दो केसेस से जितनी भी साइज का मसला हल हो जाएगा, साइज का मसला हल हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ए लिखते हैं हम 6, बी लिखते हैं 9। हमारे से पूछा गया है कि इनमें से किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज कम होगा, ये हमें बताना है। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और कोई हल ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन 6, तो मीन्स इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 6, पहले पे कितने 2, दूसरे में कितने 4, इसका 9, पहले में 2, दूसरे में 7। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां देखो पहला रूल क्या कहा था हमने, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स लार्जर द साइज। यहां शेल्स देखें तो यहां शेल्स हैं 1 2, यहां देखो 1 2, शेल्स क्या हैं सेम, तो यहां पे ये तो ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, शेल्स सेम निकल गए। जब शेल्स सेम निकल गए तो फैसला होगा एटॉमिक नंबर से, फैसला होगा न्यूक्लियर चार्ज से, फैसला होगा एटॉमिक नंबर से या फैसला होगा किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। तो आप यहां देखें, यहां न्यूक्लियर चार्ज कितना है 9, एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं और प्रोटॉन ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यहां 9 है, यहां 6 है, तो 9 वाले ज्यादा ताकत से खींचेंगे, अगर ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो क्या होगा, वैलेंस शेल करीब आ जाएगा, शेल्स करीब आ जाएंगे, साइज सुकड़ जाएगा, एटम छोटा हो जाएगा। समझ में आया है नहीं, दोबारा सुनो, जब शेल्स से बात नहीं बन रही, पहला तो देख लो शेल्स ज्यादा साइज ज्यादा, अगर शेल्स सेम बन रहे हैं तो किसको देखेंगे हम, हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज को, एटॉमिक नंबर को, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज क्या निकल जाएगा, कम निकल जाएगा। तो यहां बी क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ई क्या हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। एक और एग्जांपल इसका कर देते हैं ताकि आपके जहन में ये बात नक्श हो जाए कि आपके पास ए है 13, बी है 17, आपसे पूछा जाए किसका साइज ज्यादा होगा, क्या करोगे, 13 तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 17 पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब शेल्स क्या हैं, सेम हैं, तो जब शेल्स सेम होंगे तो किसको देखोगे, हाँ देखोगे न्यूक्लियर चार्ज,
इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है 17, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मींस ये 17 वाला स्मॉल होगा, 13 वाला लार्ज होगा। सेम केस अगर हम इसको कंपेयर करें बी और ये वाला बी, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, कौन ज्यादा कौन कम बताना है आप लोगों ने मुझे, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करो, कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। तो नोट करें, ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, बाकी और हम पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस पढ़ने के बाद टर्म आती है आयोनिक रेडियस। आपको पता है कि एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है व्हाइल इट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो होगा ये कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एटम पे एक किस्म का चार्ज आ जाएगा, तो उस चार्ज की वजह से उसको कहा जाएगा आयन। और अगर हम आयन के रेडियस की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, आयोनिक रेडियस। तो रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। याद रखें जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो केटाइन बन जाए, बंद वो केटाइन कहलाता है, इट अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज और इसे कहा जाता है एनाइन, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इट बिकम्स पॉजिटिव मींस केटाइन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय अ न्यूट्रल एटम इट बिकम्स नेगेटिव दैट इज एनाइन। और इसको डिटरमिन किया जाता है एक्सरे एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। और याद रखें जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पैरेंट एटम, केटाइन हमेशा अपने पैरेंट एटम से साइज में स्मॉल होता है। जैसे ये सोडियम का रेडियस है, ठीक है, यही सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है, यही सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में, तो उस वक्त इसका रेडियस देखे, पहले था इसका 1.57 एंगस्ट्रॉम, अब इसका कितना हो गया 0.95 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस कम हो गया। तो रेडियस कम हो जाने की वजह से हम कहते हैं कि केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम। और सेम केस जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड देयर number is increased, when the number of electrons is increased they will occupy a greater space, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि ज्यादा जगह बन जाएगी, ज्यादा साइज हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से नहीं, हाँ लार्जर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। जैसे Cl का साइज है 0.99 एंगस्ट्रॉम, यही Cl अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये Cl नेगेटिव बन जाता है, और Cl नेगेटिव का साइज देख लें क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव का साइज हो जाता है 1.81 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे आ जाते हैं तो वहां जो स्पेशी बनती है उसे कहा जाता है आइसो
इलेक्ट्रॉनिक हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे सोडियम को आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, सोडियम से Na प्लस बनेगा तो कितने ऐड आ जाएंगे इसके पास आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो अब मैग्नीशियम के पास भी 10, इसके पास भी 10, या कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसके लास्ट शेल में भी 8, इसके लास्ट शेल में भी 8। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये भी क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब सोडियम की साइज हमें पता है, सोडियम की साइज कितनी थी, 0.95 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसकी साइज कितनी है, 0.65 एंगस्ट्रॉम, इसकी साइज कितनी है, 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, लेकिन जिसका चार्ज ज्यादा है उसका साइज कम है, तो इसका यही ट्रेंड है। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, नोट हो गया भाई। इसके बाद हमने कहा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो आयन बन जाता है, ठीक है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, ठीक है। तो उस आयन बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मींस एनर्जी टू फॉर्म एन आयन, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। याद रखें जब भी हम किसी एटम को, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी लगाएंगे। व्हाई वी आर अप्लाइंग एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, बाउंड विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना चाह रहे हैं, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ठीक है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना, आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा और हम चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सबसे आसान हो, और सबसे आसान वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जहां न्यूक्लियस की पहुंच बहुत कम हो, या न्यूक्लियस की फोर्स बहुत कम हो। और न्यूक्लियस की फोर्स कहां कम होगी, करीब वालों पे या दूर वालों पे, दूर वालों पे, जैसे टावर से दूर होते हैं हम तो सिग्नल कम आते हैं, तो यहां पर भी न्यूक्लियस से दूर है तो यहां न्यूक्लियस के सिग्नल कम आएंगे, न्यूक्लियस की फोर्स कम लगेगी। तो इसीलिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किया जाता है, आउटर मोस्ट शेल से, और इसी आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल, दिस आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है डेल्टा एच इज इक्वल टू 495 किलो जूल पर मोल। तो यहां से पता चल गया कि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल, तो यूनिट इज किलो जूल पर मोल।
हो सकता है कि हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हो, जैसे एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो अगर किसी से हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो यूनि पॉजिटिव बन जाएगा और उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी उसे कहा जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेम केस अगर हम इसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो हमारे पास जो एनर्जी होगी उसे कहा जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर हम इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद एटम अलर्ट होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम, तो जब साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स करीब आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स करीब आते जाएंगे तो न्यूक्लियस का जोर बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस का जोर बढ़ गया माना इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन फैक्ट है। क्या प्रूवन फैक्ट है? जगह छोटी है, बात बड़ी है। थर्ड आईपी इज ग्रेटर देन सेकंड आईपी, सेकंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे की जाए, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या करंट की मेजरमेंट करें जब वो डिस्चार्ज ट्यूब से पास हो तो वहीं से भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? अब फैक्टर्स, आयोनाइजेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है साइज। आयोनाइजेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और साइज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज, तो आईपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस की अगर फोर्स ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड होंगे तो उनको निकालना डिफिकल्ट होगा। तो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो शेल्स आते हैं वो एक किस्म की रुकावट पैदा करते हैं और इसी रुकावट का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, हम ये अगर कहें, इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम ये कहेंगे कि हिंड्रेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, तो आईपी भी कम होगी। तो अब आप बताओ आईपी का शील्डिंग इफेक्ट के साथ कौन सा रिलेशन होना चाहिए, मुझे आप बताओगे। अब इसके ट्रेंड अगर हम देख लें, और दूसरा ऑर्बिटल्स में देख लें, अगर हम ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि एस न्यूक्लियस के सबसे करीब है, डी न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो एस की आईपी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद पी की आईपी ज्यादा होगी, फिर डी की होगी, फिर एफ की होगी। ट्रेंड इसका अगर हम देखें तो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन
पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब ये है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो लिथियम की आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की। लेकिन अगर यूं चली जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो बोरॉन की ज्यादा होगी, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको नोट करें। इसके बाद दो और टॉपिक्स रहते हैं हमारे, हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई आयन्स होता है, तो आयन कब बनता है, या इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो लॉस होने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। सेम केस जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में, तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तो वहाँ भी एनर्जी का चेंज होगा। तो उस एनर्जी के चेंज का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। यहां एक बात जहन में रखनी है आप लोगों ने, जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली बात कि आयोनाइजेशन जो प्रोसेस है, आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है, वो एंडोथर्मिक होगा हमेशा, क्योंकि हम एनर्जी देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर एंडोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एक्सोथर्मिक होगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। आधा सच है और आधा कुछ छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ है उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग हम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको, इलेक्ट्रॉन है। अफिनिटी का मतलब है मींस अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात समझिएगा। ये है भाई न्यूक्लियस, ये है शेल्स। ध्यान से समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बड़े काम का। जो आपकी जिंदगी बना देगा, ठीक है। जिंदगी मींस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारी बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के करीब होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से दूर होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। सही है जी, बिल्कुल दुरुस्त। जब यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलकर अकेला हो जाता है, ठीक है, फ्री हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फ्री। और इसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी इसकी है मैक्सिमम, ठीक है। अब ये मस्ती ज्यादा करेगा, ये ऐसे ही है जैसे घर में हम होते हैं तो मजाक मस्ती कम करते हैं, क्योंकि वहां अब्बू के मोचड़ों का भी डर होता है और अम्मी की इंसल्ट का भी डर होता है। लेकिन जब हम दूर होते हैं, when we are on picnic on certain holidays, तो वहां पर क्या होता है, कोई रोक टोक नहीं, तो वहां हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई छलांगे लगा रहा होता है, कोई जंप दे रहा होता है, कोई क्या से क्या कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम फ्री हैं, हमारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है।
तो सेम केस ये जो इलेक्ट्रॉन शेल्स में है इसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, और न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। जब सेम केस हम पिकनिक से घर आते हैं तो दोबारा हम उसी अपनी असली पोजीशन पर आ जाते हैं, मींस जो मजाक मस्ती फ्री वाले सिस्टम में दोबारा क्या बन जाते हैं, बाउंड। मींस अगर यहां जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, घर जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। यही जो एनर्जी का डिक्रीमेंट है उस डिक्रीमेंट का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझ गए होंगे बात, उसी डिक्रीमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है, अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। तो ये जो एनर्जी का चेंज है इसी चेंज का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो चेंज इन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म एन एनायन। शेल ऑफ न्यूट्रल एटम तो उसे क्या कहेंगे हम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl नेगेटिव बन जाएगा और इसका जो डेल्टा H है वो माइनस है, कितना है, माइनस 348 किलो जूल पर। तो ये जो माइनस है, दिस माइनस शोज दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। ये माइनस क्या बता रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो रिलीज होने का मतलब के प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अगर यहां तक मैं जुमला रोक दूं तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक। लेकिन आगे मैं जुमला लिखकर, कुछ वर्ड लिखकर एक मैसेज देना चाह रहा हूं, जनरली मींस आम तौर पर ये एक्सोथर्मिक है। यूनिट तो आपको पता चल गया होगा, यूनिट इसका क्या है, यूनिट इज किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट इसका क्या है, किलो जूल पर मोल। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जनरली एक्सोथर्मिक है, ठीक है, इसका मतलब कभी कभी ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, कभी कभी इस एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। इन सम सिचुएशंस इट मे बी एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं जुमला, इन सम सिचुएशंस इट कैन बी एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक कहां होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा दिल नहीं करता घर जाने को, जबरदस्ती पिकनिक से जा रहे होते हैं हम घर का। ठीक है, अब ये सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो इन सम केसेस इट कैन बी एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक हो सकता है। कहां कहां हो सकता है, अब देखो, ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, ओ नेगेटिव। ठीक है, यहां पर ये जो क्या होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हुई होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है। अगर आप इस ऑक्सीजन नेगेटिव में दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन डबल नेगेटिव बनेगा, माइनस टू। तो अब ये एंडोथर्मिक नहीं हो, एक्सोथर्मिक नहीं होगा, अब ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन, एक किस्म की रिपल्शन होगी। यहां तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं थी, न्यूक्लियस उसको वेलकम कर रहा था, शेल उसको खींच रहे थे, लेकिन न्यूक्लियस तो खींचना चाह रहा है, न्यूक्लियस इज एमिंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। वेयर एज दिस नेगेटिवली चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज
ऑन ऑक्सीजन एटम विल क्रिएट अ रिपल्शन, ये रिपल्शन क्रिएट करेगा किसके बीच में, इस इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो यहां बजाय एनर्जी रिलीज होने के एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहां लिखा था कि ये जनरली क्या है, ये जनरली है एक्सोथर्मिक, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में ये एंडोथर्मिक भी होगा, जैसे हम मैंने ये आपको एक जगह बताई। ठीक है, दूसरी जगह अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहां भी यही था ना कि इसको नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ये शो कर रहा था कि भाई जरूरत नहीं है हमें इलेक्ट्रॉन की, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था। दूसरा कहां हो सकता है, जैसे फॉर नोबल गैसेस इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव माना एंडोथर्मिक, नोबल गैसेस के लिए भी इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक, उनको भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि दे हैव फुल देयर शेल्स। ठीक है, और कहां, ये देखें, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, इस एंडोथर्मिक, वहां भी एंडोथर्मिक है, आप सोच रहे होंगे क्यों, ठीक है ना, जहां पर भी एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा वो एंडोथर्मिक ही होगा। नाइट्रोजन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2p3 का मतलब क्या है, 2px 2py 2pz, एक यहां एक यहां एक यहां, तो याद रखें ऑर्बिटल्स की एक स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन होती है, ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, कब स्टेबल होते हैं, जब वो हाफ फिल्ड हों वो स्टेबल होंगे, दूसरा कब हो ये तो हमने पढ़ रखा है, फुली फिल्ड हों। तो यहां नाइट्रोजन देखो ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है, अगर नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इधर आ जाएगा, मीन्स ये P4 बन गया, P4 बनने की वजह से क्या होगा, ये हाफ फील्ड से आगे चला जाएगा, तो हाफ फील्ड नहीं होगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में भी इसी वजह से, इस सिचुएशन में नाइट्रोजन इज स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं है जितना शेल भरा हुआ हो, लेकिन उससे, लेकिन आम सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा स्टेबल है ये। इसी नाइट्रोजन में अगर 2p4 बनेगा तो 2p4 हाफ फिल वाली कंडीशन में नहीं आता, अनस्टेबल हो जाएगा। 2p5 वो भी हाफ फिल वाली कंडीशन या फुली फिल, लेकिन जैसे ही 2p6 होगा फिर स्टेबल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब शेल पूरा होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और देखें यहां मैं सारी आपको वो बातें बता रहा हूं जो क्या है, जो एक्सेप्शनल्स हैं या जहां पर ये एंडोथर्मिक हो रहा है। सेम केस अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की देखेंगे, इन केस ऑफ सेकेंड ए ग्रुप इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है माना एंडोथर्मिक। अब हालांकि सेकेंड ए वालों को शौक नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक है, लेकिन वहां पर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड ए में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें, हम बेरिलियम लें तो बेरिलियम क्या है, 1s2 2s2। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कहां जाएगा, s तो पूरा है, कहां जाएगा, p में जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू द हायर लेवल, देयरफॉर एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज सप्लाइड। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये सारी वो चीजें थी जहां पर इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कहां पॉजिटिव है भाई, नोबल गैसेस में पॉजिटिव है, ठीक है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती देंगे तो एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कि कुछ फ्लोरीन के हिसाब से, जैसे ये सवाल कहा जाता है कि फ्लोरीन हैज एनामोलस वैल्यू
फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो एनामोलस है। एनामोलस का मतलब क्या है कि फ्लोरीन या जो हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी है वो वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर नेगेटिव में बड़ा नंबर है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, समझ में आ रही बात। या नेगेटिव पॉजिटिव वो मैग्नीट्यूड से एसोसिएटेड नहीं है, या नेगेटिव बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस बता रहा है कि एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो एनामोलस वैल्यू है, फ्लोरीन की मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की मैक्सिमम नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या हो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, जबकि ऑब्जर्व्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। क्यों, इसी की जस्टिफिकेशन में देने जा रहा हूं। अब फ्लोरीन में एक और मसला है कि इसके खुद के घर के बंदे इसके साथ साथ नहीं लेते। मींस फ्लोरीन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 1s2 2s2 2p5। अब पांच दूसरा शेल, इसका लास्ट शेल कौन सा है, 2, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था वैलेंस शेल 2। इस 2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 होने कितने चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये देखें, ये फुली फिल्ड है, ऑलमोस्ट लगभग। तो यहां जो आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो कहेगा कि भाई आओ आओ, लेकिन ये जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से ये प्रोसेस उतना एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा जितनी इसको करनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि फ्लोरीन की एनामोलस वैल्यू है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे जो पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अब इसका ट्रेंड क्या होगा, बल्कि फैक्टर्स समझ लो, मैंने आपको बता दिया, साइज पता चल गया, सारे फैक्टर्स पता चल गए। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब इसकी डिटेल्स में नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल्स हमने पहले पढ़ रखी है, क्यों कैसे क्या, न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में अगर आप ये देखोगे तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज बढ़ता है तो ये डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिख देते हैं जनरली, ये थोड़ी मैंने एक्सेप्शन आपको बता दी, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। और जहां पर ये एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, ठीक है। यहां पे एक और पॉइंट के फर्स्ट ए में इट इज नेगेटिव, अब ये बात खत्म नहीं हो रही कि फर्स्ट ए में नेगेटिव क्यों है, हालांकि फर्स्ट ए वालों का तो काम इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो वहां आप एनर्जी देखेंगे, शेल देखेंगे, तो फर्स्ट ए में कैसे देखते हैं कि फर्स्ट ए में क्या होगा, लास्ट शेल में कितना होगा, 1, जैसे लिथियम देख लें तो 1s2 2s1। अब s में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये अनपेयर्ड से बन जाएगा पेयर्ड,
तो जब ऑर्बिटल फुल हो जाएगा तो वो एक किस्म की स्टेबिलिटी शो करता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत का नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज है वो पॉलिंग नामी साइंसदान ने दी थी। ठीक है, और सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका काम क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, लो या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सीजियम, कितनी, 0.7, तो वो क्या करेगा, वो करेगा लॉस, और जो लॉस करेगा वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन एलिमेंट्स की आप, हाईएस्ट क्या है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन है, कितनी है, 3.5, उसके बाद क्लोरीन है, कितनी, 3, नाइट्रोजन कितनी, 3, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, ये याद कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर फैक्टर्स देखे जाएं तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, साइज के साथ इनवर्स, न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड आपको पता चल गया कि ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। टॉप टू बॉटम ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, वो प्रिडिक्ट करती है द नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिडिक्ट करती क्या है, नेचर ऑफ द बॉन्ड, के कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक, 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट। और सेम केस अगर इसी में भी डेल्टा एन 0.4 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा पोलर कोवलेंट, और 0.4 से कम होगा तो बॉन्ड क्या बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हमने ये चैप्टर डिस्कस किया और इसके काफी टॉपिक्स डिस्कस किए। ठीक है, तो एंड में हम इसके कुछ प्रैक्टिस के सवाल करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लें।
तो अब हम MCQs डिस्कस करते हैं। मेरा ये मशवरा है आपको कि MCQs करने से पहले आप ये टॉपिक्स को एक दफ़ा सारे को देख लें, अच्छे तरीके से देख लें, फिर MCQs करें तो MCQs करने का मज़ा आएगा। और मैंने बहुत ही प्यारे और कॉन्सेप्चुअल MCQs सेलेक्ट किए हैं जो आपको बेनिफिट देंगे। तो पहले सवाल की तरफ देखते हैं। Which of the following has smallest value of ionization energy? किसकी ionization energy कम होगी? अब ionization का क्या ट्रेंड था? Left to right increase, top to bottom decrease। अब यहां अगर आप देखें तो सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, तो ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो एक ही ग्रुप के मेंबर होने की वजह से तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन तो ये सबसे नीचे है, तो इसकी सबसे कम होगी, तो इसका जवाब होगा डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? यहां भी देखें एक ही ग्रुप के मैंने दे रखे हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम की सबसे कम, लिथियम की सबसे ज्यादा, तो ए होगा। अगला सवाल देखो, बड़ा दमदार और ताकत वाला सवाल है। द पेयर ऑफ ग्रुप विच शोज एबनॉर्मल बिहेवियर टूवर्ड्स आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा पेयर है जो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है? अब यहां थोड़ी सोचने वाली बात है। सेकेंड ए ग्रुप की अगर कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो सेकेंड ए ग्रुप की यहां लिख लेते हैं हम, सेकेंड की ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही है भाई। सेकेंड ए की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 तो समझ रहे हो, इसकी होती है NS2 NP1, ठीक है, इसकी होती है NS2 NP2, इसकी होती है NS2 NP3, इसकी होती है NS2 NP5, ये 6 NP4। हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बढ़नी चाहिए। सेकंड ए से थर्ड की ज्यादा, थर्ड से फोर्थ की ज्यादा, फोर्थ से फिफ्थ की ज्यादा, फिफ्थ से सिक्स की ज्यादा, यही रूल है। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहां देखें, अगर आप थर्ड ए को देखेंगे तो NS2 NP3, तो यहां देखें थर्ड ए की ज्यादा होनी चाहिए सेकंड ए से। आयोनाइजेशन थर्ड ए की सेकंड ए से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमें पता चलेगा कि यहां देखो ये ऑर्बिटल फुल है, तो यहां फुल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, तो S2 फुल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू यहां से। यहां देखो फिफ्थ ए और सिक्स ए, ठीक है, फिफ्थ ए में देखो तो फिफ्थ ए में क्या है? NP3। NP3 का मतलब क्या है? ये हो गया हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड वाली सिचुएशन नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, बल्कि कल नहीं, पिछले इसी लेक्चर में, थोड़ा पीछे जाएंगे आप, मैंने बताया था कि हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, ये हाफ फिल्ड नहीं है। तो क्या होगा? यहां इसकी ज्यादा होगी, यहां इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि कहां मसला हमें दिखाई देता है? थर्ड ए में और सिक्स्थ ए में। थर्ड ए की होनी चाहिए ज्यादा, लेकिन ज्यादा है नहीं। सिक्स्थ ए की होनी चाहिए ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं है। ये क्लियर हो गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पेयर विच शोज एनोमली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कौन एनामोली शो करता है हमारे पास। अब एनामोली माना डिफरेंट देन नॉर्मल। अब देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में एंडोथर्मिक होगा। तो आप याद करें कहां कहां एंडोथर्मिक था, तो वही टिक करोगे, वही इसका जवाब होगा। ये आप सोचें, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैविंग नो इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल ऑन देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। कौन से पेयर में ऑर्बिटल का आयोनाइजेशन पर असर नहीं है? ऑर्बिटल का असर तब होगा जब ग्रुप चेंज होगा, ठीक है। ऑर्बिट का इफेक्ट तब होगा जब क्या हो, ग्रुप चेंज हो। यहां तो ग्रुप क्या है इनका, सेम ग्रुप है। तो किसका सेम ग्रुप है हमारे पास, देखो पोटेशियम सोडियम सेम ग्रुप है, बेरिलियम बोरॉन डिफरेंट है, ऑक्सीजन फ्लोरीन डिफरेंट है। तो यहां पे तो दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिट, सेम कैटेगरी में आएंगे ये। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट मेंबर हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू सेकंड। कहां पे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी, फर्स्ट मेंबर हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू सेकंड, पहले की दूसरे से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देख लो ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज्यादा है, बेरिलियम से बोरॉन की ज्यादा है या नहीं, सोचो। पोटेशियम से सोडियम की ज्यादा है, ये तो बात सीधी सी है। देखो बेरिलियम कहां है, सेकंड ग्रुप में, बोरॉन कहां है, थर्ड में। तो बेरिलियम की कॉन्फिगरेशन करोगे तो क्या आता है, एस टू। यहां क्या आता है, एनएस टू एनपी वन। तो ये देखो ये स्टेबल है, स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका जवाब क्या होगा ये। अगला दफा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली गिव्स हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज। कौन सी फैमिली हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा निकालना मुश्किल कहां होगा, अल्कली मेटल, कार्बन, हैलोजन या नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का लास्ट शेल फुल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगला सवाल देखो, डैश हैव हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं, हैलोजन्स की, दे हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। नोट कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली शोज लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, उसकी होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार होगा, रेडी होगा, और वो रेडी कौन है, अल्कली मेटल्स। कौन से हैलोजन्स की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है, ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया भी था, किसमें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की ज्यादा नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपेल करते हैं वो, जो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन के शेल के अंदर पहले से मौजूद है। तो होना चाहिए था फ्लोरीन एक्सपेक्टेड, लेकिन है क्लोरीन। आगे देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमाइडाइन व्हाट विल हैपन। ब्रोमाइडाइन बनता है तो क्या होगा, ब्रोमाइडाइन कैसे बनता है, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बन जाता है ब्रोमाइडाइन। तो ब्रोमाइडाइन बनने के दौरान क्या होता है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, मींस हीट इज रिलीज्ड। तो इसका जवाब क्या होगा, ये हीट इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइडाइन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, ठीक है, व्हाट विल हैपन। ऑक्साइडाइन, ऑक्साइडाइन जब बनेगा ऑक्सीजन एटम से तो क्या होगा, तो अब आपको पता है कि ऑक्साइडाइन में क्या होता है, ओ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बनता है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव में यहां एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। फिर इसी ओ नेगेटिव में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये ओ ऑक्साइड बन जाएगा, और यहां जो डेल्टा एच है वो होता है ऐड, इफ यू रिमेंबर, क्योंकि अब ऑक्सीजन स्फीयर पूरा नेगेटिव बन जाएगा
और इस नेगेटिव को आने वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्शन होगी, तो इस वजह से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मींस पहले एनर्जी होगी रिलीज, फिर एनर्जी होगी ऐड। ये हर जगह अप्लाई होगा जब आप किसी में भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो हीट पहले हुई रिलीज, फिर हुई एब्जॉर्ब। तो सी नेक्स्ट सवाल, एक सिंपल टोकन सवाल है, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने पढ़ा है फ्लोरीन, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि फ्लोरीन के बाद जो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन 3.5। नोट कर लें इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर्स अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोथ इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड में कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन पर असरअंदाज होते हैं। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग अफेक्ट या ऑल। तो ऑल, ये सारे अफेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, ग्रुप में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है, तो ग्रुप में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो ग्रुप में आपको पता है कि ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ते हैं, तो शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, शील्डिंग अफेक्ट बढ़ जाता है, तो ये असरअंदाज करता है। नेक्स्ट सवाल देखो, डैश फैक्टर अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, पीरियड में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो ये आपका टास्क है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम देख लें तो ये तीसरे शेल का है, इसकी कम होगी, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, तो यहां अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखें, ये सवाल मैंने तीन तरीकों से आपसे पूछा है इनडायरेक्टली, तो ये फिर वही आएगा S2, ये होगा S2 NP1 NS होगा, तो ये देखो स्टेबल है, यहां से निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है, अगर आप सोचेंगे इस वाले सेंस में तो आप जवाब तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द इंडेक्स ऑफ डैश करेक्टर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंडेक्स है किसका, मेटलिक करेक्टर का। आयोनाइजेशन जितनी कम होगी मेटलिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना मेटलिक करेक्टर कम होगा, तो आप इसको नोट करें। तो कुछ एक दो और MCQs हम डिस्कस करते हैं। ये भी MCQs लिखें तो आप MCQs के जवाब मुझे बताते जाइएगा नीचे, ठीक है, मैसेज करके कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक, कौन सा एंडोथर्मिक होगा। Na+ फॉर्मेशन कैसे बनती है, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एनर्जी देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक। O2- फॉर्मेशन, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है। तो यही सवाल अगर होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक, एंडो की जगह अगर एक्सोथर्मिक होता तो आप इस जवाब को टिक करते। नेक्स्ट देखो, द कैटायनिक रेडियस डिक्रीज व्हेन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आयन। न्यूक्लियर चार्ज जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है तो जो चार्ज होता है दैट इज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा अफेक्टिव तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा अगर चार्ज बढ़ेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द साइज ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन एज कंपेयर टू दैट टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ एनाइन इज क्या है। आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन जब उसको उसके एटम से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिलियंट क्वेश्चन,
ठीक है, शानदार क्वेश्चन है और जानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द स्टेटेड एलिमेंट्स, इनकी क्या अरेंजमेंट है? ठीक है, हीलियम से लिथियम की ग्रेटर है, लिथियम की फ्लोरीन से ग्रेटर है और फ्लोरीन से नियोन की ग्रेटर है। अब मैं आपको एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, आप इसके ऊपर सोचें और इसका जवाब बताएं या मैं बताऊं। चलो सोचते हैं, इसका 2 है, 3 है, 9 है, 10 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन किसकी होगी? तो पहले आप साइज लगा लें, देखें इन दोनों का साइज, सबसे छोटा साइज किसका है? हीलियम का। तो हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन में देखो इधर भी हीलियम, इधर भी हीलियम, इधर भी हीलियम, इधर भी हीलियम, तो मीन सवाल ट्रिकी हो गया, मुश्किल भी हो गया। ठीक है, अब आगे आप इसके ऊपर जो मैंने आपको साइज वाला उसूल बताया था, प्रिंसिपल, वो अप्लाई करेंगे तो आपको जवाब उसका मिल जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, आप इसके ऊपर सोचेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा? ये एक सिंपल सा सवाल है कि टॉप टू बॉटम, और सारे एक ही मेंबर के हमने रखे हुए हैं, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो किसका ज्यादा होगा? फ्रांसियम का। नेक्स्ट, एज यू मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल एटम्स गेट्स बिगर, दिस इज बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता जाता है, क्यों? एटम्स हैव मोर मास, हाँ ये बात सही है, एटम्स हैव मोर प्रोटॉन, ये भी बात सही है, एटम्स हैव मोर एनर्जी लेवल, ये भी बात सही है, एटम्स हैव मोर न्यूट्रॉन, ये भी बात सही है। लेकिन ये बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन साइज पे कौन जाके असर अंदाज होता है? साइज पे जाके असर अंदाज होता है कौन सा? एटम हैव मोर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, विच वन हैज द लार्जेस्ट रेडियस, रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ये भी मैं एटॉमिक नंबर बता देता हूं, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, हीलियम, नियॉन, ये 10। अप्लाई करो, जवाब निकालो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, अब हमें कॉन्फिगरेशंस गिवन है, सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? मैंने सीक्वेंस बताई हुई है, वो यहां भी अप्लाई होगी, ठीक है, इधर भी अप्लाई होगी, सेम पैटर्न, इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई होगा, ठीक है, सेम पैटर्न है। अब देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई शेल्स ज्यादा होंगे तो साइज ज्यादा होगा, शेल्स कम होंगे तो साइज कम होगा, तो सबसे पहले तलाश करो, इसमें शेल 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो सबसे बड़ा साइज इसका हो जाएगा, हमें बड़ा नहीं सबसे छोटा बताना है, इसका भी साइज बड़ा होगा, छोटा किसका होगा? जिनके शेल कम हो, शेल कम इसके पास है, इसके पास भी कितना शेल है? 1, इसके पास भी कितना शेल है? 1। तो मैंने जो दूसरी ट्रिक बताई थी, जब शेल सेम हो तो किसको देखेंगे हम? न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे, एटॉमिक नंबर को देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा साइज उसका कम होगा, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? इसका, तो इसका साइज सबसे कम होगा। ठीक है, ऐसे भी सवालात आ सकते हैं। देखें, हमने वी हैव अटेम्प्टेड मोर देन 20 और 30 क्वेश्चंस, काउंट मैंने नहीं किए, ऐसे ही मैं लिखता गया हूं, तो आप काउंट करके बताइएगा कि ये हमने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए। आगे देखो, द आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन लास्ट एलिमेंट ऑफ वन पीरियड एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट पीरियड रिसीव्स अ रैपिड, बड़ा बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल, डीप कॉन्सेप्चुअल है कि भाई एक पीरियड जब एंड होता है उसका एलिमेंट, और दूसरा पीरियड जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है वो वाला एलिमेंट, उन दोनों की आयोनाइजेशन में क्या होता है? ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन लास्ट एलिमेंट ऑफ वन पीरियड एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट पीरियड रिसीव्स अ रैपिड। अब देखें, हर पीरियड में आपको पता है कि शेल फिक्स होता है, जैसे ये फर्स्ट पीरियड है,
कहाँ लिखूं, यहां लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन हीलियम, ये पहला पीरियड है, ठीक है, दो मेंबर है और ये एक ही शेल इसका काउंट कहलाता है, इट इज ओनली वन शेल, पहला पीरियड। दूसरा पीरियड शुरू होता है कहां से, लिथियम से लेकर नियोन तक, ठीक है। तो जैसे अब सवाल देखो, हीलियम से हम जब लिथियम की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन में क्या होगा, क्या ज्यादा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, रैपिड होगा कोई भी चीज। तो आप देखो जैसे ही यहां पहला शेल है, पहले शेल से आप कहां चले गए, फौरन दूसरे शेल पे, यहां देखोगे दूसरा शेल तो नेक्स्ट में फौरन तीसरे शेल पे, तो साइज जब रैपिडली इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज होगी, ठीक है, यू विल फाइंड अ रैपिड डिक्रीज। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन डिक्रीज होती है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, बेरिलियम की बोरॉन से कम होनी चाहिए थी लेकिन बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका शेल फुल है, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं है, किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो इसका जवाब क्या होगा, बी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शेल पूरा होता है S2 वाली कैटेगरी में, तो पूरे शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक है, बेरिलियम वाले केस में। और नाइट्रोजन में ये क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। एक और सवाल आ गया जहां आपको सोचना पड़ेगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखें फर्स्ट आयोनाइजेशन से सेकेंड आयोनाइजेशन हमेशा ग्रेटर होती है, ठीक है, तो इन सारों की सेकेंड आयोनाइजेशन का क्या ट्रेंड होगा, क्या ऑर्डर होगा, ये आपने मुझे सोच के बताना है। मींस अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, पहला नहीं दूसरा, ठीक है, यू हैव टू टेक आउट सेकेंड इलेक्ट्रॉन। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर सोचेंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे कि जो हाफ फील्ड है वहां से निकालना डिफिकल्ट होगा। देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नाइट्रोजन की ये जो आयोनाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो पहला है उसकी वैल्यू ज्यादा हो, जो दूसरा हो उसकी वैल्यू कम हो। तो फर्स्ट में यही वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, When the atomic radius increases, जब atomic radius बढ़ेगा तो electron affinity क्या होगी, size के साथ inverse relation है, तो it will decrease, ये क्या होगी, decrease होगी। The energy released when an electron is added to an empty orbital of an isolated gaseous atom, तो उसे क्या कहा जाएगा, electron affinity। Which of the following element has the lowest ionization energy? किसकी ionization सबसे कम होगी, उसकी कम होगी जिसका size सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा size cesium का है, तो इसकी ionization सबसे कम होगी और ये most metallic है। मैंने आपको बताया था ना कि ionization is an index of metallic character। Ionization energy in a period, period में generally क्या होती है, decrease, हाँ नहीं increase, group में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन, तो सेम इलेक्ट्रॉन आप देखोगे कहां होंगे, Na प्लस में मीन्स 10, क्लोरीन में 18, लिथियम में 2, हीलियम में 1, सोडियम में 10, एल्यूमिनियम में कितने, यहां गड़बड़ हो गई, सोडियम प्लस, सोडियम करते हैं सिर्फ, तो सोडियम में 11 हो गए और एल्यूमिनियम में भी 11 हो गए, तो इसका जवाब होगा सी, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, आज हमने काफी एमसीक्यूज भी डिस्कस किए और
तीन चार टॉपिक को एक ही गो में डिस्कस किया ताकि आपको फायदा हो। ये इंटर में भी काम आएगा, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, और ये हमारे फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।